आज सिखाऊंगी बेबी सॉक्स। ये देखें, इस तरह से हम बनाएंगे। ये देखें, हमने झालर वाला बना के रखा है, तो ये इस तरह से ये बनेगा। तो देखें किस तरह से बनेगा। ये देखें, हमने दो कलर ले लिए हैं और इसमें इस तरह से हम फंदे डालेंगे। ये देखें, इस तरह से हम सिंगल ऊन से फंदे डालते हैं और 52 फंदे हम डालेंगे। और इसमें हमने 10 नंबर की सिलाई यूज की है और ये वूल है हमारी थोड़ी पतली है, आपकी अगर मोटी हो तो इसमें 9 नंबर की सिलाई ले लीजिएगा। ये देखो, हमने 52 फंदे डाल लिए हैं। अब इसको एक सिलाई हम इस तरह से उल्टी उल्टी निकालेंगे और उधर से भी हम उल्टी उल्टी निकाल लेंगे। इस तरह से हमें सारे फंदे बिनने हैं। तो बिन लेती हूँ। ये देखो, हमने इधर से सिलाई कंप्लीट की। अब देखें, इधर से हमें इस तरह से उल्टा उल्टा बनाना है। दो सिलाई हम सीधी बनाएंगे तो दो उल्टी बनाएंगे। इसी तरह से ये 10 सिलाई हम निकालेंगे। तो ये सिलाई हम निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको ये देखो इस तरह से अब हम सीधी ही निकालेंगे। एक उतार लिया, फिर इस तरह से सीधी सिलाई निकाल और उधर से मैं कलर चेंज कर लूंगी। है दो हम सिलाई इसकी निकालेंगे, इस वाले कलर की। तो 10 सिलाई हम निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें 10 निकलेंगी इस वाले कलर में, फिर आगे जो डिजाइन बनाएंगे तो वो वाले कलर से बनाएंगे। तो 10 सिलाई हम इसी तरह से निकाल लेते हैं, फिर आपको दिखा देते हैं। ये देखो, दो सिलाई हमने इधर से निकाली, तो दो हो गई। अब देखें, इधर से हम इस तरह से उतारेंगे और उल्टा बनाएंगे और उधर से भी हम इसी तरह से लाएंगे। तो दो सिलाई बीच में, 4 सिलाई उल्टी, तो 4 सीधी। सॉरी, दो दो करके बनाएंगे, 4 नहीं बनाएंगे। दो सिलाई उल्टी तो दो सीधी, इसी तरह से बनती जाएगी। तो 10 सिलाई टोटल हमें निकालने हैं, तो 10 सिलाई मैं निकाल लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ये देखें, अब इधर से देखें, इधर से हम इसी तरह से उल्टा बनाएंगे, ना कि हम सीधा बनाएंगे। इस तरह से दो सिलाई हम उल्टी निकाल लेंगे, एक उधर से उल्टी तो एक इधर से उल्टी। तो ये दो सिलाई की ये डिजाइन है, दो सिलाई हम प्लेन बनाएंगे। ये देखो, जिस तरह से हमने ये बनाई है, इसी तरह से हमने इसको बना लिया है। ये बन के कम्प्लीट हो चुका है 10 सिलाई। अब इसकी जो झालर हमने आस पास डाली हुई है, अब वो बताएंगे। तो देखें, हम सीधी साइड पे हैं, ये देखें, और धागा हम उधर साइड पे करेंगे, उल्टी साइड पे। ये देखें इस तरह से। अब देखें, इस तरह से हम 4 अंटे लगाएंगे, ये उंगली से निकाल देंगे और इसको इस तरह से बिन लेंगे। अब फिर से देखें और इसको थोड़ा खींचते जाएंगे ताकि ये देखें, 1, 2, 3, 4 4 के बाद हमने उंगली से धागे को निकाला और इस तरह से हमने इस सिलाई पे कर लिया। ये देखें, तो फिर से उसी तरह से ये देखें, झालर पड़ रही है। ये देखें इस तरह से, तो फिरते जाएं 3, 4 4 के बाद ये देखें, इस तरह से हम सारे फंदे इस तरह से निकाल लेंगे। फिर से उसी तरह से ये सारे फंदों पे हमें इसी तरह से झालर बनानी है। ये देखें, बनती जा रही।
ये देखें, इसी तरह से मैं डाल लेती हूँ। ये देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने झालर बना ली सारे फंदे को। एक फंदे को हमने इधर बुना था और एक फंदे को इधर बुना है, इस पे हमने झालर नहीं बनाई। तो ये देखें इस तरह से, अब इनको इस तरह से हम बुन लेंगे। सारे फंदे हम इसी तरह से बुनेंगे और इनको हम खींचते जाएंगे। तो बुन लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखो हमने पूरी सिलाई कंप्लीट की। अब हम कलर चेंज कर लेंगे इधर से। पूरी रो हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये हम कंप्लीट कर लेते हैं इधर से पूरी रो, फिर मैं आगे का आपको बता दूं। ये देखो इधर से हम उल्टा बनाएंगे। ये 2, 3, 4, 5, 6 इसी तरह से हमें 25 फिंदे बनाने हैं। तो 25 फिंदे एक साइड के मैं बना लेती हूँ, फिर आगे की डिजाइन आपको दिखाती हूँ। 25 फिंदे बिन लिए। अब यहाँ पे देखें इस तरह से हम धागा पीछे साइड ले जाएंगे, यहाँ 2 का 1 कर देंगे। पहली रो में हमने 2 का 1 कर दिया। अब हम 3-3 फिंदे करेंगे, एक इधर से तो एक बीच में चैन चलेगी और बाकी फिंदे इसी तरह से चलेंगे। तो पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट होएगी। अब हम फिर से कलर चेंज कर लेंगे, ये वाला कलर लगाएंगे। 2-2 सलाई हम बनाएंगे इसी तरह से, 2 इस वाले कलर की तो 2 इस वाले कलर की। तो मैं इसी तरह से ये भी रो कंप्लीट करेंगे। इधर की साइड पे उल्टा उल्टा बनाना है, उल्टी साइड से उल्टा उल्टा, और सीधी साइड से भी हम उल्टा ही बनाएंगे। सिर्फ बीच में जो चैन जाएगी वो सीधे फिंदे बिन लिए। ये देखो इधर से मैंने 24 फिंदे बिन लिए। अब एक फिंदे को हम इस तरह से पीछे की साइड करेंगे और यहाँ देखें 3 का 1 कर देंगे। ये देखें ये चैन बनने लगी हुई है। अब उल्टा बना लेंगे बाकी फिंदे। ये इसी तरह से हम कम करते जाएंगे तो यहाँ पे हम लाइनें 7 बना लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 1 बन गई, दूसरी बन रही है। इसी तरह से हम 7 लाइनें कंप्लीट करके फिर आपको बता दें। ये देखो हमने फिंदे कम कर लिए हैं, यहाँ तक किए हैं। देखें लाइन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो 7 लाइनों हमने ये लाइनें बनाई हैं, तो 7 से 14 फिंदे हमने यहाँ पे कम किए हैं। तो ये देखें 1, 2, 3 लाइनें हमने सादा बना दी। अब आगे का देखें किस तरह से बनेगा। आगे हमें बॉर्डर बनाने हैं ऊपर के लिए, 2, 3, 4। अब 4 के बाद यहाँ पे देखें 2 का 1 कर देंगे और 1 जाली बना देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे डोरी भी डालनी है तो इसलिए इस तरह से करेंगे। अब देखें 1, 2, 3, 4, 5 5 के बाद फिर 2 का 1 करेंगे और जाली बना लेंगे, और फिर से उसी तरह से 5, 1, 2, 3, 4, 5 5 के बाद देखें इस तरह से। तो हम जाली बनाते जा रहे हैं और ये 5-5 फिंदे बुनते जा रहे हैं। ये देखें उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बना लेंगे। जो हमने एक फिंदे बढ़ाया है, 2 का 1 किया, 2 पे जाली लगाई थी, 2 का 1 किया था, उसको देखें यहाँ पे इस तरह से हम इसमें मिलाते हुए ये 1, 2 तो ये 2-2 फिंदे कम हो गए। यहाँ पे हम उल्टा बना लेंगे। इसी तरह से बनाना है पूरी। ये देखो हमने जाली बना ली है। अब हमें 2 सलाई इधर से 2 उधर से तो हम निकाल लेते हैं, फिर इसको हम उतार देंगे। तो ये जूती बनके तैयार हो जाएगी। ये
ये देखें यहाँ पे ये जाली पड़ गई, तो यहाँ पे मैं डोरी डालूंगी, तो बना लेती हूँ। ये देखो अब हम इसको उतार देंगे, दो का एक करते हुए सारे फिंदे हम इसी तरह से उतार देंगे। ये देखो मैंने ऊपर पाउडर भी कंप्लीट कर लिया है, और ये देखें यहाँ से लेके उल्टी साइड से इस तरह से, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके इसको झालर को अंदर साइड कर देंगे इस तरह से, झालर नहीं सिलेंगे, इस तरह से हम ऊपर तक सिल देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये पूरी बनके तैयार हो जाएगी। ये देखें इस तरह से, ये देखो डोरी बनाने के लिए इस तरह से हम डबल करेंगे इसको इस तरह से। अब यहाँ से किसी से दबा लेंगे और इस तरह से हम इसको डोरी बना लेंगे, इस तरह से बन जाएगी आपकी डोरी, तो ये कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह से बनाने हैं, तो मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ।